आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के शताब्दी तक ये जो 25 वर्ष का कालखंड है उसको प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल के रूप में मनाने का एक फैसला लिया है। और ये 25 साल भारत को सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए 130 करोड़ की जनता का सामूहिक प्रयास कैसे हो और इसका परिणाम कैसे आ है, इस दिशा में सब एक दिशा में प्रयास करें, इसके लिए उन्होंने ये 25 साल के वर्ष को कालखंड को अमृत काल के रूप में कहा है। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को उन्होंने संकल्प वर्ष के रूप में भी मनाने का निर्णय किया है और हम सब का आह्वान किया है, पूरी देश की जनता का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई ना कोई संकल्प ले जो भारत को आगे बढ़ाए। हम सरकार की छोटी सी छोटी इकाई ग्राम पंचायत से लेकर देश की पार्लियामेंट तक हर संस्था एक संकल्प ले जो भारत को आगे बढ़ाए। सरकार के हर विभाग अपने लक्ष्य तय करे, संकल्प ले और जो देश को आगे बढ़ाए। मित्रों, ये संकल्प लेने का वर्ष है और ये 25 साल का अमृत काल संकल्प को सिद्ध करने का समय है और जब आजादी की शताब्दी होगी तब ये करोड़ों संकल्पों का संपुट देश को महान बनाएगा।